बात करते हैं अमरनाथ में हुए हादसे की, जहां यात्रा अभी भी रुकी हुई है और जगह जगह यात्री फंसे हुए हैं। ऐसे में यात्रियों के परिवार वालों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभी 41 लोग लापता हैं। अमरनाथ में आई ये तबाही कितनी भीषण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दो दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और लापता लोगों की कोई खोज खबर नहीं मिल रही है। सेना के ट्रेंड डॉग स्क्वाड की मदद से लापता लोगों की तलाश की जा रही है। ITBP के स्पेशल इक्विपमेंट की मदद ली जा रही है। सेना, BSF, ITBP समेत बड़ी संख्या में सुरक्षा एजेंसियों के जवान दिन रात अमरनाथ घाटी में सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए लगातार जो सॉर्टीज हो रही है, जो जख्मी पंचतरणी में है, तो उनको लाने के लिए लगातार सेना के हेलीकॉप्टर्स का आना जाना लगा। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अब भी मलबे में बड़ी संख्या में लोग दबे हो सकते हैं। बादल फटने के बाद पहाड़ से मलबा इतना ज्यादा आया है जिसे हटाने में काफी मुश्किल आ रही है। शनिवार को दिन भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया गया। 65 लोगों को मिलिट्री और सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस समय हम लोग ने कोशिश करी है कि सारा इक्विपमेंट जो है पूल इन किया जाए, तो किसी के पास स्निफर डॉग्स हैं, किसी के पास वॉल थ्रू रेडार है, किसी के पास कुछ और इम्प्लीमेंट्स, तो कोशिश ये करी गई है कि ये सारा इक्विपमेंट पूल इन करके वहां पर इस्तेमाल किया जाए। कहूंगी ये सारा ज्वाइंट एफर्ट है। मौसम काफी खराब जिससे मुश्किलें बढ़ गई। त्रासदी के बाद अमरनाथ यात्रा रोके जाने से हजारों लोग रास्ते में फंसे हुए हैं। जम्मू से नया जत्था रवाना करने पर रोक लगी हुई और यात्रियों के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में तेज बरसात से हाहाकार मचा हुआ है। हरिद्वार में सैलाब के बीच एक मासूम फंस गया, जिसके बाद उसे बचाने के लिए घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन चला। अमरनाथ में तबाही से यात्रा पर गए लोग जगह जगह फंस गए। ऐसे में उनके घर वालों की चिंता बढ़ गई। MP के खंडवा से 12 श्रद्धालु दर्शन के लिए अमरनाथ गए थे। 10 जुलाई को बाबा के दर्शन के बाद 13 जुलाई को उनकी वापसी होनी थी, लेकिन 8 जुलाई को आई आपदा से ये लोग शेषनाग में फंस गए। अचानक जब यहाँ से इतनी श्रद्धा के साथ सब गए हैं और ऐसा होना बहुत हमारे लिए भी दुखद घटना है, लेकिन जब उनसे बात की तो ऐसा लगा कि नहीं, थोड़ा सब कुछ ठीक है, वो सेफ जगह है। शेषनाग पर थे जब वो, जब मेरी बात हुई उनसे। हालांकि परिवार से फोन पर उनका संपर्क हो गया है और उनका कहना है कि वो लोग सुरक्षित हैं और उनके साथ शेषनाग कैंप में 500 लोग शरण लिए हुए हैं। सबसे बात हुई और सभी सकुशल मंगल है, टेंट में रुके हुए थे। इन लोगों को अभी अनंतनाग करके स्थान बीच में शेषनाग करके वहाँ पर इनको ठहराया गया है। फिलहाल दर्शन और नेहा जैसे तमाम लोगों के घर वाले अमरनाथ यात्रा के रास्ते में जगह जगह फंसे, तो कुछ लोगों का अभी तक पता नहीं चल पाया। ऐसे में हर कोई अपनों के लिए चिंतित नजर आ रहा है। तो जाहिर तौर पर जिन परिवार के लोग वहां फंसे हुए हैं उनकी चिंताएं बढ़ी हुई हैं, लेकिन तमाम हेल्पलाइन नंबर्स पर जो उचित जानकारी है वो उन्हें दी जा रही है। परिवार वालों से फोन पर बातचीत के बाद अब परिवार के तमाम सदस्य थोड़ी सी राहत महसूस कर रहे हैं। हालांकि राहत पूरी तब होगी जब वो लोग वापस सकुशल अपने घर लौट पाएंगे। और अब बात करते हैं उत्तराखंड में आए सैलाब की। उत्तराखंड में तेज बरसात से हाहाकार मचा है। हरिद्वार में सैलाब के बीच एक मासूम फंस गया, जिसे बचाने के लिए घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। नदी में पानी का बहाव काफी तेज है, आसपास बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा है। ये लोग सैलाब में फंसे नहीं है, बल्कि सैलाब में घिरे एक 4 साल के मासूम और उसके चाचा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, 3 लोग सैलाब के बीच घिरे नजर आ रहे हैं और एक शख्स की गोद में बच्चा है। तस्वीरें मोबाइल कैमरे से बनाई गई है, इसलिए बच्चा साफ नजर नहीं आ रहा। पानी के बहाव के बीच मासूम के साथ फंसे शख्स को बचाने के लिए पहले 2 लोग हिम्मत करके उसके पास पहुंच तो गए, लेकिन बहाव इतना तेज था कि टापू से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हरिद्वार के मोहनड़ रो नदी में चाचा भतीजे के फंसे होने की खबर मिली तो पुलिस के जवान जान जोखिम में डालकर बच्चे को बचाने के लिए पहुंचे। कई बार ये लोग सैलाब के बीच से निकलने की हिम्मत जुटाकर आगे बढ़े, लेकिन नाकाम रहे। पानी के तेज बहाव को देखकर इनके कदम जवाब दे जाते
और ये लोग पीछे हट जाते। तभी एक जवान लाइफ जैकेट पहनकर आगे बढ़ा। देखिए कैसे ये जवान टापू पर फंसे लोगों को बचाने के लिए पानी के तेज बहाव को चीरता हुआ आगे बढ़ता। एक पल तो ऐसा लगा कि जैसे कि वो खुद ही ना बह जाए, लेकिन जवान पानी की धारा को देखते हुए थोड़ा आगे जाकर पानी के साथ बहते हुए इन लोगों के बीच पहुंचे। इस दौरान बाहर खड़े लोगों की धड़कनें बढ़ गई और लोगों को लगा जवान बह ना जाए, लेकिन जैसे ही वो टापू पर फंसे लोगों के पास पहुंचा तो भीड़ ने राहत की सांस ली। करीब 2 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही। आखिरकार पुलिस के जवान की दिलेरी से मासूम और उसके चाचा को बाहर लाया गया तो लोग खुशी से झूम उठे। बताया जा रहा है कि बुग्गावाला इलाके में चाचा अपने 4 साल के भतीजे के साथ खेत में काम करने गए थे, तभी नदी में अचानक उफान आ गया और ये लोग वहां फंस गए। फिलहाल दोनों को सुरक्षित निकाल लिया गया। सिटी जानिए कोरिया सिटी। हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।